मदीनतुल मुनव्वरा की एक गली से मेरे हुजूर गुजर रहे हैं, तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। हुजूर ने रुक के पूछा, ये किसका मकान है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। किसी ने उस अंसारी को जा बताया, हुजूर ने तेरा मकान देखा था, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी जाहिर नहीं हुए। उसने कहा अच्छा। कहा हाँ। उसने कुदाल लिया और मकान को ज़मीन के बराबर कर दिया। दो चार दिन के बाद हुजूर का दोबारा गुजर हुआ, देखा कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। उसे बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, आज मलबे का ढेर है। कहा हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की, सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। सर से लेकर पांव तक गौर करें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने अकीके से लेकर वलीमे तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपनी निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने कारोबार से लेकर के अंदाज़े मुआशरत तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मोहम्मद दी ज़ियारत, मोहम्मद दे रंग विच, अगर उनके हुए हैं तो फिर हम उनके हो गए, फिर अपनी ख्वाहिश कहाँ बाकी रही। एक सहाबी आए और उसने उन्होंने हुजूर से सलाम करना चाहा, लेकिन हुजूर ने रुख फेर लिया। वो समझे शायद किसी वजह से इल्तिफात नहीं हुआ, तो हुजूर ने जिधर रुख फेरा तो उधर जाकर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन हुजूर ने फिर रुख फेर लिया। समझ गए कोई नाराज़गी है। तो चूँकि एक सफ़र से आए थे तो उन्होंने दीगर सहाबा से पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि हुजूर की नाराज़गी का सबब क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुजूर नाराज़ क्यों हैं? उन्होंने कहा हमारी समझ में जो बात आई है वो ये है कि तुमने ये सोने की अंगूठी पहनी है और हुजूर इसको हराम करार दे चुके, इन ज़हबा वल फिद्दा हराम लिज़कूर उम्मती, सोना और चांदी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। सिर्फ चांदी की एक अंगूठी और वो भी 4.5 माशे से कम वजन की हो तो वो मर्द के लिए जायज़ है, इससे जायद या इसने ही वजन की दो अंगूठियाँ मर्द के लिए जायज़ नहीं हैं। सोना बिल्कुल जायज़ नहीं है, रखा ही नहीं गया जायज़, ये जीनत औरत के लिए है। तो तूने ये अंगूठी पहनी और हुजूर इसको जहन्नुम की आग का अंगारा करार दे चुके हैं, गुनाह बेलज़्ज़त है तुम कर रहे हो, तो शायद हुजूर की नाराज़गी का सबब ये हो। वो आगे बढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा हुजूर इस वजह से नाराज़ हैं? तो अक्का करीम ने यूँ अंगूठी फेंक दी। खैर, नाराज़गी की वजह ख़त्म हो गई, मजलिस में बैठ गया, गुफ्तगू चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग वापस पलटे और वो भी वापस जाने लगा, तो किसी ने इशारा दिया वो सोने की अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती धात है। तो उस सहाबी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा वल्लाहे ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इसको कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है, जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया मैं इसको कभी नहीं, सोना है, हीरा है, चांदी है, पखराज है, मोती है, कुछ भी है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। साहिबो देखो किस किस चीज़ को मेरे हुजूर ने फेंका है, और हम अगर उस चीज़ को सीने से लगाते हैं तो हम आशिक रसूल नहीं हो सकते, हम खुद फरेबी में मुबतला हैं। अगर हम आशिक हैं, आशिक होना आसान नहीं है, हमारे बुजुर्ग झूम के शेर पड़ा करते थे, आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के, ऐसे आशिक नहीं हो जाता, आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा पर के। तो जब आप आशिक हैं तो फिर आपका इश्क महबूब की अतात की चौखट पे आपको क्यों नहीं लेकर के आता? मैं और आप अपने आप को देखें, अपने तर्ज जिंदगी को देखें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहेब ना किसी को पूछना पड़े न तुझे बताना पड़े, तेरी वज़ाकता तर्ज ज़िंदगी अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो अगर उनके हुए हैं तो फिर सर से लेकर पाँव तक उन्हीं के हो जाएँ। हमारा तर्ज ज़िंदगी बताए हम नौकर हुजूर के हैं, हमारा अंदाज़े मुआशरत बताए हम नौकर हुजूर के हैं।